Невидимые линии, которые определяют границы, часто проводятся людьми, никогда не проходящих по ним. Или полям, простирающимся рядом, где по обеим сторонам выращивается тот же урожай, независимо от времени года. Но для тех, кто живет вдоль этих невидимых линий, они становятся горькой действительностью, заставляя их сомневаться, в каком месте в лесу, у какого дерева должны они остановиться, чтобы не пересечь эту невидимую черту. हिंदुस्तान डिवाइड होगा इसके क्या रिपरकशन होंगे क्योंकि लीडरों को भी पता नहीं था ये दो मुल्क बनेंगे और दो मुल्क बनने के बाद फिर पासपोर्ट बनेगा फिर वीजा बनेगा ये तसव्वुर ही नहीं था कहीं आज भी मालूम नहीं लोगों को अभी तक भी Эти линии, к сожалению, оказались для Мустафы реальностью. Реальностью, о которой он узнал после того, когда попал в тюрьму, пересекши одну из таких линий. На протяжении 7 лет, проведенных в пакистанских тюрьмах, он мечтал о том, чтобы вернуться домой для того, чтобы еще раз увидеть, почувствовать и услышать то, что напоминало ему его детство. Иронически, грубое заточение в пакистанской тюрьме заставило его пересмотреть его индийские корни. हम इंडियन वहाँ पे रहते थे एक कमरे में 60 बंदा हमारे कभी हमारे साथ हिंदू थे सिख थे मुसलमान भी थे दो चार ईसाई भी थे हमारे साथ लेकिन हम कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे लेकिन पाकिस्तानियों का हर दिन झगड़ा होना जैसे बकरे को जबा करते हैं वैसे वो एक दूसरे को मार रहे हैं तो हम ये सारी चीज़ें देख के हैरान हो गए कि हमारा हिंदुस्तान जो है वहाँ पर इतनी कौमें रहती हैं उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में कितनी शांति है कितना अमन है और ये एक ही कौम रहती है एक ही मुसलमान यहाँ पे रहते हैं तो ये आपस में इतनी नफरतें हैं 21 год. Это возраст, когда большинство молодых людей считает себя действительно свободными и независимыми. Но Мустафа в этом возрасте был заперт в тюрьме. Тюрьме, которая физически сковала его, ворвалась в его душу и заставила его подвергнуть сомнению его окружение. ये सारी चीज़ें देखकर सर मैं वहाँ पे मेरा दिमाग एकदम अपसेट हो गया और मैंने जो है इस्लाम छोड़ दिया मैंने कहा मैं क्रिश्चियन बनूंगा पर मैं वहाँ पे क्रिश्चियन बन गया प्रेशर से तो मैं नहीं बना हूँ लेकिन जो कुछ मैंने देखा है मुझे उस उन लोगों से इतनी नफरत हो गई है और इतना दिल बुझ गया है कि मैं अपने आप को जो है खुद मैंने देखा कि इतने मैं वो जो है ना मतलब एक अपने आप को मुसलमान कहलाने मैं भी मुसलमान था मुझे शर्म आ गई ये चीज़ें जो मैंने पाकिस्तान में देखी हैं मैंने नहीं देखी ये जो कश्मीर में मैंने कभी सुना भी नहीं उनके बारे में ये जो बदफेली है हम जिन्स प्रस्ती जिसको कहते हैं होमोसेक्सुअल जो है वो मैंने जाकर वहाँ जब सुना मैं हैरान रह गया कि ये दाढ़ियाँ रखे हुए लोग वो कह रहे हैं एक दूसरे को ऐसे ऐसे ऐसी वो हकीकत बात है और कत्ल इतना वहाँ पर बंदा मारना एक मामूली सी बात है वो अपने आप को बड़ा पहलवान कहलाते हैं बहुत कहते हैं कि हमने ये बंदा मार दिया इंसान मार दिया जबकि कश्मीर में ये प्राणी यहाँ मशहूर बात है कि ये कहते हैं आसमान लाल होगा तो कहीं कत्ल हो गया है यहाँ मैंने कभी कत्ल का नाम सुना ही नहीं Его ужасные воспоминания не отпускают его. Он помнит о страданиях тех, кто остался там и все еще томится в тюрьме. मैं इधर बैठा हूँ लेकिन उनके चेहरे जो हैं मेरी आंखों में घूम रहे हैं मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं कि वो बेचारे कोई 16 साल से पढ़ा है कोई 18 साल से पढ़ा है उनको जब पूछते हैं कहते हैं ये आप स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारी रही तो कुछ करें तो स्टूडेंट कहता है जी आपको इंडिया गवर्नमेंट नहीं ले रही है वो उनके पास ही बाना होता है अब उन्हें क्या पता है कि वो झूठ बोल रहा है क्या कह रहा है लेकिन वहाँ पे इंडियन औरतें हैं उनमें से दो हमने सुना है कि वो पागल हैं दो औरतें पागल हुई हैं Живший в ужасных условиях, с изломанным телом и душой, Мустафа все равно благодарен Богу за данную ему новую жизнь и имеет только одно желание. सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँगा मैं तो मेरी एक और मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा यही दो मकसद मैं लेकर आया हूँ मैंने अल्लाह से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी ये मुझे दूसरा जन्म मिला है Сегодня Мустафа снова может надеяться и мечтать. Если бы только всем тем, кто все еще томится по другую сторону этих невидимых линий, можно было бы дать шанс на надежды и мечты.